إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة معزز حاضرین ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں گزشتہ دو خطبوں کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آج کا یہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ سرے محفل عورتوں کا نام نہیں لیتے وہ عورتوں کے تعلق سے اس قدر غیور واقع ہوئے ہیں اور یہ ایک بہترین مزاج کی طرف اشارہ ہے اور آپ کو یہ سن کر کے مزید حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی کسی بھی عورت کا نام لے کر کے تذکرہ نہیں فرمایا ہے پورے قرآن مجید میں کہیں کسی بھی عورت کا نام لے کر کے تذکرہ نہیں فرمایا ہے سوائے ایک عورت کے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آیا تو ام موسیٰ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا نام نہیں لیا موسیٰ کی ماں کہا حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ آیا تو نام نہیں لیا وامرأت نوح اور وامرأت لوط کہا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی نام نہیں لیا عزیز مصر بادشاہ مصر کی بیوی جو بدکار عورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نام نہیں لیا امرأۃ العزیز کہا
अजीज मिस्र की बीवी, नाम का तस्करा नहीं लिया। और हम सबकी मां हजरत हव्वा, इनका भी नाम अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया। क्या कहा? या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी, देख रहे हैं नाम नहीं लिया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, सुकून के साथ रहो। सवाल यह है कि हजरत मरियम का नाम क्यों लिया अल्लाह तबारक व तआला ने? हजरत मरियम का तस्करा नाम के साथ क्यों किया? इसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे मबगूज और सबसे नापसंदीदा जो चीज है वो क्या है? शिर्क है। शिर्क की तरदीद के लिए उनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने लिया। ये नसारा ये कहते हैं कि ईसा इब्नुल्लाह है, सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, ये ईसा ये इब्ने मरियम है, ये मरियम के बेटे हैं, रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के बेटे नहीं है। शिर्क की तरदीद के नाते अल्लाह तबारक तआला ने उनका नाम लिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह औरतों की तकरीम फरमाई है कि ये औरतें इतनी कीमती चीज हैं, इतना कीमती गौहर है कि इनका नाम ना लिया जाए, इनको पर्दे में रखा जाए, ये इतनी कीमती चीज है। और आपको मजीद सुनकर के हैरत होगी, बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हुफाज भी हैं, ये बताएं कि पूरे कुरान में कहीं सूरह मर्द है? सूरह रिजाल, पूरे कुरान में कहीं सूरह मर्द सूरह रिजाल नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा एक मुस्तकिल सूरत औरतों के नाम पर सूरत निसा नाज़िल फरमाई, ये औरतों की सूरत है। इस तरह से भी अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की तकरीम फरमाई है, बाकायदा एक मुस्तकिल सूरत सूरत निसा नाज़िल फरमा करके अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हुकूक को हाईलाइट किया है। मर्दों के नाम पर कोई सूरह वूरह नहीं है, ये औरतों की सूरत है सूरतुन निसा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया है, बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि देखो दुनिया के अंदर एक इंसान का किसी न किसी से ताल्लुक होता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सबसे लतीफ, सबसे नाजुक और सबसे गहरा ताल्लुक जिनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता वो शौहर और बीवी का होता है। इस ताल्लुक को आप दुनिया की सारी अदब की किताबें एक तरफ रख लें और कुरान हकीम का यह तबसरा हुन्ना लिबासुन लकुम अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ये तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। दुनिया की सारी अदब की किताबें एक तरफ रख लीजिए, कुरान हकीम का यह तबसरा लिबास से ताबीर किया है। एक तो कुर्बत जाहिर करने के लिए, लिबास आदमी के बदन के कितना करीब होता है, कुर्बत जाहिर करने के लिए ये औरतें तुम्हारे इतने करीब हैं। और अगर लिबास ना हो तो आदमी नंगा दिखता है, जेबो जीनत वाला नहीं माना जाता, ये तुम्हारे लिए जेबो जीनत का सबब है, ये तुम्हारे लिए वकार और इज्जत का सबब है। और इस आयत करीमा के तनाजुर में इशारा इस बात की तरफ है कि वो बच्चे, वो नौजवान लड़के जो बुलूगत को पहुंच चुके हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अभी तक नंगे हैं, लिबास अल्लाह ने कहा है उनको जरा जल्दी से लिबास पहना दो। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम देना चाहा है उन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबास, ये सब के सब नंगे हैं जो अभी शादीशुदा नहीं है, लिहाजा इनको लिबास पहनाओ ताकि इनके तन के ऊपर कपड़ा आ जाए, इनकी इनको भी इज्जत और वकार की जिंदगी हासिल हो जाए। उन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने तअस्सुर देना चाहा है। एक जगह तो अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, कहा औरतों को तुम क्या समझते हो, बाकायदा डांट करके कहा निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये औरतें तुम्हारे लिए खेती है। क्या है? खेती है खेती। मैं एक सवाल करता हूं, खेती का मकाम बड़ा होता है या किसान का? जवाब दीजिए, खेती का मकाम बड़ा होता है या किसान का? अरे खेती ना हो तो किसान भूखा मर जाए, खेती ना हो तो हम और आप भूखे मर जाएं।
इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को खेती से तशबीह देकर के तासुर देना चाहता है कि जिस तरह खेती के अंदर अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है, हम उसे खाते हैं, उसकी वजह से हम दुनिया में जिंदा रहते हैं। इसी तरह से अगर औरत इस दुनिया के अंदर ना हो तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाए, तुम्हारी बका खत्म हो जाए, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह तासुर देना चाहा है, निसाओं को महसूल लकुम। बच्चा पैदा कहां से होता है? अल्लामा इब्ने तैमिया रहमा ने कहा कि जो शख्स ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे बच्चा चाहिए, ऐसा शख्स पागल है। ये अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं, बच्चा का पैदा होने और बच्चा के हुसूल का सबब और जरिया औरत है, और अगर वो बच्चा नेक साले हो तो तुम्हारे खानदान को बढ़ाने वाला, तुम्हारे नस्ल को बढ़ाने वाला, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ करने वाला वो बच्चा पैदा, वो बच्चा करेगा जो है ऐसा। ये औरत को तुमने मामूली समझा है, निसाओकुम, तुम्हारे वजूद की बका की जामिन है ये औरत। औरत को लोगों ने मामूली, एक साहब कहने लगे मुली साहब क्या हुआ औरतों, औरतों के ताल्लुक से बोल रहे हैं, दो दो तीन दिन खुतबा औरतों के ताल्लुक से बोल रहे हैं, इनको पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है औरतों को लेकर के, पूरा पूरा एक खानदान 150 अफराद पर मुश्तमिल इस्लाम से मुर्तद हो रहा है, उनको इस्लाम के हुकूक और इस्लाम के खानदानी और आयली निजाम और सिस्टम का पता ही नहीं है। अगर औरतों को ये सब बातें मालूम नहीं होंगी तो ऐसे ही मुर्तद होती रहेंगी, इर्तदाद की शिकार होती रहेंगी। अपने यूपी के अंदर कोई जिला है, उस जिले की 150 अफराद बैक वक्त दीन इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए, और बाकायदा उन्होंने गंगा स्नान किया है। क्यों? इसलिए कि उनको हुकूक पता नहीं, उनको इस्लाम के बारे में उनको जानकारी नहीं, और कोई देने वाला नहीं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को खेती से तशबीह देकर के तासुर दिया है कि जिस तरह अनाज पैदा ना हो खेती के अंदर तो किसान भूखा मर जाए, ऐसे ही दुनिया के अंदर अगर औरत ना हो तो तुम्हारा वजूद इस दुनिया के अंदर खत्म हो जाएगा, तुम मिट जाओगे। और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरू। अगर औरत ना होती तो दुनिया बेअंगबो होती, कायनात बेकैफ होती, कायनात फीकी पड़ जाती। ये औरत ही है जो इस कायनात के खानों में रंग भरती है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरू। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से भी औरतों की इज्जत और तकरीम फरमाई है कि उसके वजूद को दुनिया के वजूद और हम तमाम बनीन और इंसान के वजूद को मौकूफ किया है उसके वजूद के ऊपर। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर औरतों की ताल्लुक से एक बात बयान फरमाई है। आपने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु वस्तौसु बिन निसाई खैरा फइन्नहुन्न खुलिक्न मिन दिलइन वइन आवज शयउन फिद्दिल आला फइन धहबत तुकीमहु कसरतहु वइन तरकतहु लम यज़ल आवज। रवाहुल बुखारी फी किताबिन निकाह। कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान रखता है, यह दुनिया आरजी जिंदगी है, 60 साल 70 साल जिंदगी, आखिरत की अबदी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो दायमी और हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। 60 70 साल जिंदगी के लिए आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है, उसे डर नहीं लगता आदमी की कि पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए, पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कुछ नहीं मालूम, और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आदमी करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। किसको? अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। अब आगे का जुमला देखो, वस्तौसु बिन निसाई खैरा, क्या लोगो मैं वसीयत करता हूं कि तुम औरतों के साथ अच्छा मामला करना, खैर की वसीयत करता हूं मैं, भलाई करते रहना तुम औरतों के साथ। सवाल यह है कि पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों को तकलीफ ना पहुंचाओ और औरतों के साथ अच्छा मामला करो, इन दो टुकड़ों में रब्त क्या है? बात समझ रहे हैं? रसूल यह फरमा रहे हैं कि पड़ोसियों को तकलीफ ना पहुंचाओ और मैं वसीयत करता हूं कि तुम औरतों के साथ अच्छा मामला करना, इन दो टुकड़ों में रब्त क्या है, ताल्लुक क्या है?
इसका जवाब यह है कि अरे पड़ोसी, ये तुम्हारे घर के बाहर रहता है, तुम्हारे घर के बाजू में रहता है, जब उसको तकलीफ पहुंचाना हराम है, जब उसको परेशान करना नाजायज है, तो ये औरत ये तुम्हारे घर के अंदर रहती है, ये तुम्हारे तुम्हारी माँ की शक्ल में, तुम्हारी बेटी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में तुम्हारे पास रहती है, इसको तकलीफ पहुंचाना, इसको ज़हनी टॉर्चर करना, इसको अजियत देना, इसको परेशान करना बदरजे औला हराम है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फकाहत है। ये बताना चाह रहे हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कि पड़ोसी तो तुम्हारे घर के बाहर रहता है, तुम्हारे घर के बाजू में रहता है, जब उसको तकलीफ पहुंचाना हराम है, तो यह औरत जो माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में तुम्हारे घर के अंदर रहती है, इसको तकलीफ पहुंचाना बदरजे औला हराम। ये फकाहत है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की। ये तमाम बातें औरतों के ताल्लुक से, उनकी अजमत के ताल्लुक से थी कि इस्लाम ने औरतों को उनके वजूद का हक दिया है, और वजूद ही नहीं बल्कि उनके वजूद पर दुनिया के वजूद की बका रखा है कि अगर वो मौजूद है दुनिया के अंदर तो हम मौजूद हैं, ये इंसान मौजूद है। दीनी हक दिया है, मुआशरती हक दिया है, निकाह का हक दिया है, खुला का हक दिया है, निगाह डाली जाए तो मैली हो जाती है, और अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए और चार गवाह लेकर के ना आए तो 80 कोड़े मारे जाएं, कोई उसकी इस्मत को तार तार करे, अगर वो शादीशुदा है तो फिर कितने उसको रजम कर दिया जाए, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मार मार करके उसको शहर से बाहर कर दिया जाए। सवाल यह है कि औरतों के ऊपर भी कुछ हुकूक हैं, औरतों को करना क्या है? अल्लाह ने इतनी सारी अजमतें दी हैं, इतना तकद्दुस दिया, इतना एहतराम अता किया उन्हें, औरतों को करना भी तो कुछ है, तो औरतों को करना क्या है? औरतों के ऊपर सबसे पहला हक खिदमत उज़्ज़ौज, शौहर की खिदमत करना। शौहर बाहर से थका आ रहा है, उसकी खिदमत करे, उसको खाना दे, उसको पीना दे, उसको कॉफी दे, ये शौहर की खिदमत करना ये बीवियों के ऊपर वाजिब है। बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां सीरियल ड्रामे और वीडियो क्लिप्स देख करके नए नए शगुफे छोड़ती रहती है, नए नए मसले बयान करती रहती है। किशोर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादे मोहतरम की बड़ी प्यारी हदीस हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्नफातिमत रजी अल्लाह तआला अन्हा शकत मा तल्का मिन अथरि रहा फअता अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीयुन فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فأخذنا مضاجعنا فقال فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال الا اعلمكما خيرا مما سالتماني اذا اخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتحمدا 33 وتسبحا 33 رواه البخاري في كتاب المناقب। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को ऐसी बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर लिख के आए। हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादे मोहतरम ये बयान कर रहे हैं हदीस कि मेरी बीवी फातिमा, नबी की बेटी फातिमा, शकत मा तल्का मिन अथरि रहा, उनके हाथों में जो तकलीफ हो गई थी उसकी शिकायत हुई, चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे और वो छाले सूख करके खरंड की शक्ल ले चुके थे, सूख करके खुरदरे हो चुके थे। शकत, जब चक्की चलाना दुश्वार हो गया, चक्की नहीं चला पा रही है, सब्र से बर्दाश्त से बाहर हो गया, शकत शिकायत क्यों? फअता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीयु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादिम आए, कुछ गुलाम आए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फंतलकत फलम तजिदहु,
आई देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं, पूछे अब्बा कहाँ है, बोले कि है नहीं, वो बाहर गए हुए काम से। फवजदत आयशा, आयशा को देखा, कहा अम्मा अब्बू कहाँ है। आयशा ने बताया अब्बू बाहर है। कहने लगी जब अब्बू आए तो उनको कह देना कि फातिमा आई थी, फातिमा आई थी, कह करके चली गई। फजा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर के अंदर आए, अखबरत हु आयशा, आयशा ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल आपकी बिटिया आई थी, फातिमा आई थी। कहा क्यों आई थी, कहा अल्लाह के रसूल वो पता ही नहीं क्यों आई थी, सिर्फ इतना कह करके गई कि अब्बा आए तो अब्बा को बता देना कि फातिमा आई थी, बस। रात का वक्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर के अंदर दाखिल हुए हैं, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, फौरन बिटिया के घर चले गए, निकल पड़े बिटिया के, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में है, किस लिए मेरे पास आई थी। हजरत अली दामादे मोहतरम खुद हदीस बयान कर रहे हैं, कह रहे फजा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, वक़द अखज़ना मज़ाजिअना, हम लोग बिस्तर पकड़ चुके थे, देख रहे हैं रात हो गई है, वक़द अखज़ना मज़ाजिअना, बिस्तर पकड़ चुके थे, सोने ही वाले थे, आंख लगने ही वाली थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाते हैं फदहतु लअकूम, मैं खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह आए हुए हैं, मेरे ससुर हैं, जरा खड़ा हो जाऊं। आपने फरमाया अला मकानिकुमा, बैठे रहो बैठे रहो अपनी जगह पर। रसूलुल्लाह आए, फकाद बैनना, आए हम दोनों के दरमियान, एक तरफ फातिमा है एक तरफ दामाद है, आए दोनों के बीच में बैठ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मोहब्बत फातिमा और अली के दरमियान। लोग कहते हैं हमारे नजदीक फातिमा की अजमत नहीं है, अली की तौज़ीम नहीं है, इमाम बुखारी को फातिमा की अजमत पता नहीं है। देखो हजरत इमाम बुखारी किताबुल मनाकिब जहां मनकबत का बयान है वहां ला रहे हैं हदीस को। बैठ गए, हजरत अली कहते हैं हत्ता वजदतु बर्द कदमैहि अला सदरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इतने ठंडे हो रहे थे कि मैं उस ठंडक को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। बैठे, हजरत फातिमा ने बयान किया अल्लाह के रसूल अब्बा जान ये देखो हाथ में छाले पड़ गए, ये छाले सूख करके खरंड की शक्ल ले चुके हैं, अब्बा जान बड़ी तकलीफ हो रही है, चक्की नहीं चला पा रही हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की उस तकलीफ को सुना, बेटी के हाथों के उस छाले को देखा, बेटी की शिकायत सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उअल्लिमुकुमा खैरम मिम्मा सअलतुमानी, मेरी बच्ची क्या मैं तुम्हें, तुम दोनों को वो चीज न बता दूं, तुम दोनों खादिम मांग रही हो, तुम दोनों गुलाम मांग रही हो, क्या मैं तुम दोनों को अला उअल्लिमुकुमा खादिम से बेहतर, गुलाम से बेहतर वो चीज न बता दूं। कहने लगे अल्लाह के रसूल जरूर बता दीजिए, बता दीजिए। देख रहे कितनी समझदार और बाप की कितनी मुती व फरमाबरदार बच्ची है, तकलीफ और परेशानी हो रही है मगर बाप ने कहा कि इससे बेहतर, खादिम से बेहतर कोई चीज ना बता दूं, फौरन मान जा रही है, अल्लाह के रसूल जरूर बता दीजिए। आपने फरमाया इदा अखस्तुमा मज़ाजिअकुमा, जब तुम दोनों बिस्तर पर आओ, शौहर और बीवी जब दोनों बिस्तर पर आओ, तुकब्बिरा अरबा व थलाथीन वतुसब्बिहा थलाथन व थलाथीन वतहमदा थलाथन व थलाथीन, जब तुम दोनों बिस्तर पर आओ तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। कितनी मरतबा? 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ, तुम खादिम चाह रही हो खिदमत करने के लिए, ये तुम दोनों के लिए खादिम से कहीं ज्यादा बेहतर है। देख रहे हो, सवाल ये है कि खादिम से बेहतर क्यों है? ये तीनों चीजें, ये तकबीर, ये तस्बीह और ये तहमीद, ये खादिम से बेहतर क्यों है? इसका जवाब ये है,
कि खादिम का ताल्लुक दुनिया से है, किसे? दुनिया से है। और इन तीनों चीजों का, तकबीर का, तस्बीह का, तहमीद का, इसका ताल्लुक आखिरत से है। और ये मंतकी बात है, वल आखिरत खैरुन अबका। अभी नमाज में सूरह पहली रकात में हम सूरह आला की आयत पढ़ेंगे, वल आखिरत खैरुन अबका इन हादा लफी सुहफ अलूला। वल आखिरत खैर, आखिरत तो बहुत बेहतर चीज है, वह अबका हमेशा बाकी रखने वाली चीज है। दुनिया को आरजी है, खत्म हो जाने वाली चीज है, 60 साल 70 साल उसके बाद खत्म। देख रहे हैं इस हदीस के अंदर कितना बड़ा पैगाम है, कितनी बड़ी तालीम। यहां कितने लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी बेटियों के लिए आसाइशों के न जाने कितने जतन करते हैं, दुनिया की तमाम आश आसाइशें उनके कदमों में ला करके डालने की कोशिश करते हैं, कभी इन आसाइशों से, इन दुनिया के सामानों से ऊपर उठ करके अपनी बेटी की आखिरत की फिक्र करने की कोशिश की है। देख रहे हैं, एक तरफ बेटी है, एक तरफ शौहर है, एक तरफ बीवी है। शौहर को पता है कि मेरी बीवी कितनी तकलीफ में है, शौहर को मालूम है, और वही खुद हदीस बयान कर रहे हैं शौहर। और वे बेटी कौन है? अल्लाह अकबर, बेटी कौन है? फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय फातिमा बिनते मोहम्मद, तेरी अजमत को सलाम। फातिमा बिनते मोहम्मद वो नबी जो खातमुन नबीयीन है, सैयदुल मुरसलीन है, जिनको अल्लाह ने अपनी बुलंदी पर पहुंचाया है, जहां तकदीर के लिखे जाने की कलम की सरसराहट की आवाज आपने सुनी है, इतनी बुलंदी पर पहुंचा। और बेटी की हालत यह है, चक्की चला रही है दुनिया के अंदर, चक्की चला रही है दुनिया के अंदर, हाथ में छाले पड़ गए। ये बेटी की हालत इजार है, बेटी शिकायत कर रही है, बेटी अपनी तकलीफ बयान कर रही है, बेटी अपने हाथों को छालों को दिखा रही है, बेटी दुनिया मांग रही है। मगर रसूल ये सब सुनने के बावजूद कह रहे थे, कह रहे मेरे बच्चे ये दुनिया की तकलीफ है, चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। अला उअल्लिमुकुमा, क्या मैं तुम्हें, तुम दोनों को इससे बेहतर चीज ना बता दूं जो खादिम से बेहतर है, जो तुम्हारे लिए वल्लाखिरतु खैरुन वअबका, जो आखिरत में नफा देने वाली। कभी कितना बड़ा पैगाम है इस हदीस के अंदर। इस हदीस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, दिल तड़प उठता है, दिल की कैफियत अजीब हो जाती है, रात रात भर नींद नहीं आती। पढ़िए इस हदीस को, संजीदगी से सोचिए। तो खिदमत उज़्ज़ौज, शौहर की खिदमत करना। देख रहे हैं हजरत फातिमा चक्की चला रही हैं, खिदमत कर रही हैं, और उनको तकलीफ भी हो रही है। शारहीन हदीस ने लिखा है, वलौला खिदमतु ज़ौज अलैह ला तजिदु अलैहा ला अखबरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियम बिदालिक। अगर औरतों के ऊपर शौहर की खिदमत जरूरी ना होती तो आप बताते कि अली तुम मेरी बच्ची से जो एक चक्की चलवा रहे हो, ये चक्की चलाने मेरी बच्ची का काम नहीं है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी चक्की नहीं चलाएगी, ये उसका काम नहीं है, आप बताते। लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बावजूद आपने आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई। कभी आप अपनी बेटियों को दुनिया न दे करके आखिरत देने की कोशिश की है, कितना बड़ा पैगाम, कितनी बड़ी तालीम। तो पहला हक है बीवियों के ऊपर कि वो शौहरों की खिदमत करें। दूसरा हक इताअतुज़्ज़ौज, शौहर की फरमा बरदारी। शौहर बेचारा काम से थका हारा आता है, दुकान से, फैक्ट्री से, गाड़ी चला करके आता है, बोलता है काओ जी का चिल्ला थो, ऐसा बोलते हैं काओ चिल्ला थो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कीला ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन निसाए खैर, قال تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، رواه النسائي في كتاب النكاح। हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताब निकाह के अंदर लेकर के आए। आपने फिर आपसे सवाल किया गया, अय्युन निसाए खैर, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी और बेहतरीन औरत कौन सी? तो आपने फरमाया तसुरहु इदा नज़र, जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, ऐसा वो बनी ठली रहे, ऐसा बनाओ श्रृंगार किए रहे। शौहर जब घर से बाहर रहता है आकर के, आज आलम यह है कि बीवियों को देख करके शौहर के पसीने छूटने लगते,
परेशान हो जाता आदमी, कैसा हुलिया बनाए रखी। तसुरहु इदा नजरा, और ये वजह बहुत सारे नौजवान हमेशा घर से बाहर ही रहते, कौन जाए घर में पसीना छुड़वाने के लिए, परेशान होने के लिए, घर के बाहर ही रहो। रात का 12 बज जाएगा, 2 बज जाएगा तो घर के अंदर आएंगे, बटन ऑफ करेंगे, सो जाएंगे। तसुरहु इदा नजरा, सबसे बेहतरीन औरत कौन, जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इदा अमरा, और जब उसको हुक्म दे खाना लेकर के आओ, कॉफी बना करके लेके आओ, तो फौरन उसकी इताअत करे, उसका हुक्म माने। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरा, और ये दूसरा हक है खिदमतुज़्ज़ौज, इताअतुज़्ज़ौज, और तीसरा हिफ्ज़ुल माल वल नफ्स, अपने नफ्स की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे, ये उसका हक है, ये शौहर की है, उसकी अमानत है। अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए, अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके माल के अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए, ये उसके ऊपर हक है जो शौहर के लिए उसको अदा करने। और क्या है, तंजीफुल मलाबिस, शौहरों के गंदे कपड़े धोए, शौहरों के जितने कपड़े गंदे होते हैं उनको धुलाए, धुले और उनको साफ करे, उसको आयरन करे, ये सब औरतों के ऊपर फर्ज हैं। और वो सहर इंद मर्ज ज़ौज, शौहर अगर बीमार हो जाए तो रात रात भर जाग करके उसके बाजू में बैठ के उसकी खिदमत करे, ये औरतों के ऊपर फर्ज है। और क्या है, लितस्कुनु इलैहा, बहुत सारे लोग इसका तर्जमा करते हैं तुम उनसे सुकून हासिल करो, गलत तर्जमा है, लितस्कुनु मिन्हा का तर्जमा हो रहा है, कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, तक इलैहा का मतलब तक टू के माने में आता है, तक, बहुत सारे लोग ये तर्जमा करते हैं लितस्कुनु मिन्हा तुम उससे सुकून, गलत तर्जमा है, लितस्कुनु इलैहा तू उन्हें सुकून पहुंचाओ वो तुम्हें सुकून पहुंचाओ, ये तर्जमा सही है, सुकून तक, एक सुकून से दूसरे, दूसरे से एक, सुकून पहुंचाओ। और मौलवी साहब, जो औरत सुकून न पहुंचा पावे वो औरत कहां है, वो औरत कहां है, वो तो जहन्नम है, जहन्नम है जहन्नम, इसलिए कि औरत को पैदा ही इसलिए किया गया है, खलकतुम लितस्कुनू इलैहा, तुम्हारी पैदाइश का मकसद ही है ताकि तुम सुकून पहुंचाओ, घर पर सुकून बना रहे। आज देखो घरों के अंदर सारा वबाल, सारा फितना, सारी लड़ाई, सारा झगड़ा इन औरतों की वजह से होता है। शौहर के साथ, अब्बा की, अम्मा की, अपने सास और ससुर की, नंद की, भाउज की, देवरानी की, जेठानी की, पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार की सारी बुराइयां ये औरतें करती हैं, सारी, सारा लेखा जोखा यही बयान करती है, फितने की जड़ है ये। और जिस घर में सुकून नहीं वो घर बर्बाद है, तो सुकून कहाँ है। लिहाजा सिर्फ जिस्मानी तौर से नहीं, ज़हनी तौर से भी सुकून पहुंचाओ, लितस्कुनु इलैहा। तो ये वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बीवी मौजू खत्म नहीं हुआ है, और हालात और मौके ऐसे हैं कि इस मौजू को मजीद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, लिहाजा उस ताल्लुक से भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। इस मौजू को इंशाअल्लाह फिर कभी हम छेड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, वस्तगफिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।